हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक बेस्ट फर्टिलाइजर के बारे में बात करूंगी, जो कि हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये सभी के घर में अवेलेबल होता है और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये फर्टिलाइजर भी है और पेस्टिसाइड भी है, दोनों ही तरीके से मैं यूज करके बताऊंगी आप लोगों को कैसे प्लांट्स में डाला जाता है। ये कभी भी कहीं भी यूज किया जा सकता है, हर मौसम में। ऐसे बरसात में तो नहीं यूज करा जाता, ठंडी में हो या गर्मी में। ये है लस्सी। कई जगह इसको लस्सी बोलते हैं, कई जगह इसको छाछ बोलते हैं और कई जगह इसको मट्ठा बोलते हैं। इसे हम दो तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से इसको यूज करके बताऊंगी, ताकि दोनों ही तरीके से हम इसे यूज कर सकें। पहले मैं स्प्रे बताऊंगी कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने पानी भर लिया है और थोड़ा सा इसमें लस्सी डालूंगी और फिर सभी प्लांट्स में मैं यूज करके बताऊंगी कैसे स्प्रे करते हैं। ज़्यादा यूज नहीं करना है इसको, थोड़ा सा, ताकि इसका कलर चेंज हो। ज़्यादा यूज करेंगे तो ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ज़्यादा यूज नहीं करना। इसे सीधे नहीं डालना होता है प्लांट्स में, डाइल्यूट करके डालना होता है। पानी में हम इसको डाल के ही यूज करेंगे। कोई भी फर्टिलाइजर हो उसको डबल करके ही डालना चाहिए पानी में। ये छाछ मैं 4 या 5 दिन के लिए रख दी थी, फिर इसके बाद जब ये खट्टा हो गया तभी मैं इसको यूज करी हूँ। इसे हम ऐसे ताज़ा यूज नहीं करेंगे, 4 या 5 दिन तक रख दें, फिर इसके बाद इसको हम यूज करेंगे। इससे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ढक्कन बंद करके मैं आप लोगों को स्प्रे करके बताऊंगी कैसे सभी प्लांट्स में मैं स्प्रे करूंगी। इसे हम रूट्स में भी डाल सकते हैं और लीव्स में भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ये प्लांट्स को हेल्दी करता है और जो भी प्लांट्स में मतलब और लीव्स में फंगस आदि वगैरह लगे रहते हैं वो सब ठीक करता है, साफ करता है। कीड़े मकौड़े होते हैं जो प्लांट्स में लग जाते हैं वो भी ये हटा देता है, काफ़ी अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। मैं कल भी एक वीडियो डाली थी जो कि खाद के ऊपर था, कंपोस्ट बनाने के लिए। अब मैं इस जग में थोड़ा सा लस्सी डाल दूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि पौधों में रूट्स में कैसे यूज करना होता है इस फर्टिलाइजर को। एक जग पानी था, उसमें मैंने थोड़ा सा ही, आधा कप ही था ये लस्सी मैंने उसमें डाला, और मैं अभी कुछ प्लांट्स में डाल के दिखाऊंगी आप सभी लोगों। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है करी लीव्स में, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा इस प्लांट के लिए। अब मैं ऐसे सभी प्लांट्स में स्प्रे करके बताऊंगी। इस करी लीव्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, इसको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है ये। और हम इंडोर प्लांट्स में, आउटडोर प्लांट्स में, सभी में हम स्प्रे कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। वेजिटेबल्स में भी हम कर सकते हैं जो भी हो, और फ्लावर्स में भी, इंडोर प्लांट्स में भी, सभी में हम कर सकते हैं। इससे लीव्स सारे बहुत ही हेल्दी और ग्रीन ग्रीन रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। जो भी प्लांट्स में फंगस का प्रॉब्लम हो वो भी हट जाएगा इस लिक्विड फर्टिलाइजर से। सभी प्लांट्स में मैं स्प्रे करके बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसे अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। आप लोगों से एक प्रार्थना है, एक गुजारिश है, मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, कमेंट करके बता दिया करिए, तो मैं भी आप लोगों के चैनल में आऊँगी।
थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।